नमस्कार, आईडीपी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विराट दुबे। राजनांदगांव में इन दिनों उठाई गिरी करने वालों के हौसले चरम पर हैं और उनकी पैनी निगाहें सराफा बाजार पर ज्यादा टिकी हुई हैं। तभी तो 15 दिनों के भीतर सराफा बाजार में उठाई गिरी के 3 वारदातों को अंजाम देकर उठाई गिरी करने वालों ने राजनांदगांव के सराफा बाजार में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बीते रविवार को करीबन 4 बजे के आसपास सदर बाजार स्थित नरेंद्र विनोद ज्वेलर्स में एक महिला आई। उस वक्त दुकान में नरेंद्र कुमार सोनी मौजूद थे। महिला ने दुकानदार से कहा कि उन्हें सोने का हार दिखाए। सराफा व्यापारी नरेंद्र कुमार ने महिला को सोने का हार दिखाया, जिसमें महिला ने 2 हार पसंद किए और व्यापारी से अनुरोध किया कि उनकी लड़की जो पास के मेडिकल स्टोर में काम करती है, यह हार मैं अपनी लड़की को दिखा कर लाती हूँ, लड़की के पसंद करने पर हम इस हार को खरीदेंगे। क्योंकि यही औरत एक दिन पूर्व भी दुकान आई थी और हार देखकर गई थी, अतः व्यापारी नरेंद्र कुमार सोनी महिला की बातों में आकर विश्वास के साथ 2 हार उन्हें दे दिए और स्वयं भी यह देखने के लिए महिला के उस दुकान की ओर जा रही है कि नहीं, वह स्वयं दुकान के बाहर निकले और महिला को देखने लगे। महिला ने जिस जगह पर नाम बताई थी वहां पहुंचने के बाद वहां रुकी नहीं, आगे बढ़ गई और वह महिला वहां से चलकर निर्माणाधीन भवन में घुस गई और वहां से चंपत हो गई। सराफा व्यापारी नरेंद्र कुमार सोनी उसके पीछे उस भवन पर गए, लेकिन महिला वहां से 9-2-11 हो गई थी। व्यापारी के पुत्र विनीत कुमार सोनी ने, जो कि उस वक्त दुकान में नहीं थे, वापस आने पर संध्या करीबन 5 बजे बसंतपुर थाने में जाकर इसकी शिकायत की, जिसके पूर्व 4 नवंबर को अलंकार ज्वेलर्स के यहां 2 उठाई गिरी हुए थे। देखते ही देखते सोने की अंगूठी डिब्बे लेकर फरार हो गए थे। इसी प्रकार 12 नवंबर को उठाई गिरोह ने दुर्गा टॉकीज के पास किशन जैन से अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर उनके सोने की चैन लेकर चंपत हो गए थे। उठाई गिरोह के 3 वारदात बसंतपुर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे ऐसा लगता है कि थाने के क्षेत्र के अंतर्गत उठाई गिरी चोर उचक्कों के मन में पुलिस का अपराध के प्रति दहशत कम हो गई है। ऐसी जानकारी हमारे पास आई है कि दोपहर के 3:30 बजे नरेंद्र ज्वेलर्स में कोई महिला गई थी और वो हार वगैरह या चैन वगैरह कुछ देख रही थी और फिर उस मालिक ने उसको दिया, बोले कि मैं बेटी को दिखा के लाती हूँ, तो दिखाने गई तो वापस लौट कर नहीं आई। इस प्रकार घटना की जानकारी हमको। तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP 24 न्यूज पर। और हाँ, हमें YouTube में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।